हर एक व्यूअर्स का, हर एक सब्सक्राइबर्स का ध्यान रखना हमारा दायित्व है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है हर एक यूट्यूबर्स का। आप में से बहुत सारे लोग मुझे हर वक्त कुछ क्वेश्चंस पूछते हो और ये जो कमेंट्स आपके तरफ से आता है मेरे हर एक वीडियोस में काफी बेहतर, बहुत कमेंट्स आता है, बहुत कमेंट्स। मैं प्रयास करता हूं हर एक कमेंट्स का उत्तर देने के लिए, पर बहुत बार ये भी गलती हो जाता है मुझसे, भाई सभी वीडियोस में जो कमेंट्स आता है उसका हर एक उत्तर देना मेरे लिए संभव नहीं होता है। पर मैंने डिसाइड किया और आपने भी, बहुत सारे लोगों ने आपने मुझे रिक्वेस्ट किए हो, भाई सुमन सर प्लीज एक वीडियो बनाओ आप एफएक्यू के बारे में, यानी फ्रीक्वेंटली आस्क जो क्वेश्चंस आप करते हो उसके बारे में। तो आज से मैंने स्टार्ट किया मेरे चैनल पे Q&A एपिसोड, जहां पे आपका हर एक क्वेश्चंस को पिक करूंगा और उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा और आपका जो कंफ्यूजन है उसको भी दूर करने का प्रयास करूंगा। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, पर मैं प्रयास करूंगा आपकी हर एक प्रश्न का उत्तर देने का। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बाय द वे, मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हो गैजेट्स वाला। तो चलून करबो ना देरी, शुरू करी तातारी। आप कमेंट्स क्यों करते हो? क्योंकि आपको लगता है आपका जो दुविधा है वो आपको मिल जाए, आपका उत्तर, सटीक उत्तर भाई आपको मिल जाए, यही इसलिए तो आप कमेंट्स करते हो। जरूर कीजिएगा और मैं ये प्रयास करूंगा आपके हर एक क्वेश्चंस का उत्तर देने का, पर हर समय ये संभव भी नहीं होता है। उसके लिए आपको एक अनुरोध करता हूं, आप हैशटैग गैजेट्स वाला करके आपका कमेंट्स कीजिए, मैं वहां पे पिक करूंगा और आपका उत्तर देने का प्रयास भी करूंगा। फिर से कह रहा हूं, हैशटैग गैजेट्स वाला करके आप कमेंट्स कीजिएगा, उसका उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा और आपका क्वेश्चन पिक भी करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का Q&A एपिसोड नंबर 1। जो पहला क्वेश्चन, Asus ZenFone Max Pro M1 में अपडेट कब आएगा? अपडेट आएगा दोस्त इस महीने के एंड पे या अक्टूबर में आपको एक नया अपडेट मिल जाएगा। ये सिक्योरिटी पैच लेवल का अपडेट होगा और जो बग्स अभी भी हैं उसको भी सुधारा जाएगा। आप थोड़ा सा वेट कर लो मेरे दोस्त, आपको ये अपडेट बहुत जल्द मिल जाएगा। आपका जो नेक्स्ट सवाल है, एंड्रॉइड पी कब तक Asus ZenFone Max Pro M1 में मिल जाएगा? दोस्त अभी तो ये एंड्रॉइड ओरियो पे चल रहा है, आप ये उम्मीद लगा सकते हो, ये लगभग स्टॉक एंड्रॉइड UI के साथ आ रहा है, इसलिए आपको जल्द से जल्द इसमें एंड्रॉइड पी का सपोर्ट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट भाई, Asus ZenFone Max Pro M1 क्या हीट होता है? भाई अपडेट से पहले तो हीट होता था, पर अभी चार्जिंग के समय थोड़ा सा हीट होता है, पर अगर आप डेली यूज करते हो, कोई हेवी गेम्स खेलते हो 15 या 30 मिनट्स तक, आपको यहां पे कोई भी हीटिंग इशू नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Asus ZenFone Max Pro M1 में क्या फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक सही में इंप्रूव हुआ है? जरूर, आप देख सकते हो यहां पे मैंने अब ये लॉक कर दिया है और ये रहा मेरे पास, तो देखिए ये अनलॉक हो रहा है, देखिए अनलॉक हो रहा है। तो यहां पे फेस अनलॉक भी अच्छे से काम कर रहा है और फिंगरप्रिंट सेंसर भी अच्छे से काम कर रहा है। पर आपको एक चीज बता दें, यहां पे फेस अनलॉक अभी भी आर्टिफिशियल लाइट या लो लाइट में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, पर अपडेट में शायद ये ठीक हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग ये भी पूछे हो, Asus ZenFone Max Pro M1 में साउंड क्वालिटी आपको थ्रू हेडफोन अच्छा नहीं मिल रहा है, पर यकीन कीजिए मेरा, 3.5mm जैक से पहले जो साउंड मिलता था अभी ये साउंड और भी बेहतर हो गया है, आपको शायद एक अच्छा हेडफोन यूज करने का जरूरत है। आप एक अच्छा हेडफोन यूज कीजिए, उसके बाद कमेंट्स कीजिए कि आपको कैसा हेडफोन से साउंड क्वालिटी मिल रहा है। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन, Asus ZenFone Max Pro M1 में नेटिव वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन है,
मैं बहुत बहुत ज्यादा मायूस हो गया हूं अपडेट से पहले जब ये फोन लॉन्च किया गया था। यहां पे आपको नेटिव वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन तो नहीं था, पर कॉन्टैक्ट में वहां पे वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन था। बहुत अच्छे से काम भी नहीं करता था, पर हाँ था एटलीस्ट। पर अभी अपडेट के बाद ये फीचर्स नहीं है। अभी तो यहां पे आपको गूगल ड्यूस का एक एप्स वहां पे दिया गया है, जहां पे आप जिसके साथ बातचीत करना चाहते हो, वीडियो कॉलिंग करना चाहते हो, उसको भी वो गूगल डुओ एप्स इंस्टॉल करना होगा और यूज करना होगा। तो वीडियो कॉलिंग ऑप्शन अभी फिलहाल नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग ये भी पूछे हो स्क्रीन फ्लिकरिंग क्या अब ZenFone Max Pro M1 में हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपका एक कॉमन सवाल, बैटरी बैकअप कैसा दे रहा है, गजब का दे रहा है। मुझे 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है। मैं व्हाट्सएप करता हूं, इंस्टाग्राम करता हूं, ट्विटर हैंडल करता हूं और यूट्यूब में वीडियोज देखता हूं, एमेजॉन प्राइम में मूवीज भी देखता हूं। गजब का बैटरी बैकअप आपको मिलेगा इस फोन से। बैटरी से मैं अब थोड़ा बहुत खुश हूं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इसमें फास्ट चार्जिंग है? यहां पे क्विक चार्ज है, आप 1.5 से 2 घंटे में इसको फुल चार्ज कर सकते हो। और अब थोड़ा सा आपका डिफरेंट क्वेश्चन, भाई नोकिया 6.1 प्लस कैसा होगा? देखिए 16,000 में ये अच्छा फोन है, और मैंने भी मेरे चैनल पे नोकिया 6.1 प्लस का अनबॉक्सिंग और बहुत सारे रिव्यूज किया है, आप देख सकते हो। पर वो फोन मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहां पे कुछ आपको चीजें अच्छा नहीं लगता है, जैसे स्क्रीन थोड़ा सा छोटा है पर कॉम्पैक्ट है, और आपको कैमरा क्वालिटी उतना भी अच्छा नहीं मिलता है। तो आपको वहां पे स्टॉक एंड्रॉइड 1 मिलता है। अगर आप लेना चाहते हो तो जरूर उसको एक बार ट्राई कर सकते हो, पर 16,000 में थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि Realme 2 Pro भी अभी आ रहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पोको F1 कैसा है? मेरे चैनल पे आपको पोको F1 का वीडियोस भी मिल जाएगा, अनबॉक्सिंग रिव्यू सभी मिल जाएगा। पर आपको एक बात कह दे, अगर मैं किसी फोन से इतना खुश हूं तो वो है पोको F1, द फर्स्ट ओनली वन फोन I have ever seen that kind of facilities in that price. 845 मिलता है और आपको बहुत अच्छे कैमरास मिलता है, AI टेक्नोलॉजी मिलता है, बैटरी गजब का मिलता है, फेस अनलॉक फास्ट है, IR टेक्नोलॉजी यूज्ड है, और आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी गजब का मिलता है। मैं खुश हूं पोको F1 से, और बहुत जल्द पोको F1 का एक फुल रिव्यू भी आपके सामने ले आऊंगा। अगर आप विचार कर रहे हो 21,000 में कोई फोन लेने के लिए, जरूर लीजिए आप पोको F1। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोको F1 का कैमरा क्वालिटी कैसा है? गजब का है। अगर आप Mi A2 के साथ कंपेयर करोगे तो भी ये अच्छा है। अगर आप Redmi Note 5 Pro के साथ कंपेयर करोगे तो भी Poco F1 आगे हैं। मैं आपको ये कहूं, मेरे पास Mi A2 है, मेरे पास Redmi Note 5 Pro भी है, हर एक वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, मैंने साइड बाय साइड कंपेयर भी किया है, मुझे अच्छा लगा Poco F1। और अभी ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, शायद ये हो सकता है आपको कुछ अलग लगे, पर मेरे नजरिया से, एक यूट्यूबर के नजरिया से मुझे ये अच्छा लगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या स्क्रीन ब्लरिंग इशू हो रहा है पोको F1 में? देखिए कुछ हैंडसेट के साथ ये हो रहा है, पर सभी हैंडसेट के साथ ये नहीं हो रहा है। जैसे कि मेरे हैंडसेट के साथ ये प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं किया, तो ये Xiaomi को फीडबैक चला गया है और वो बहुत जल्द इस पे काम भी कर रहा है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पोको F1 में जो नॉट्स दिया गया है वहां पे प्रॉब्लम है, वहां पे प्रॉब्लम है किस तरह का? अगर आपको सभी नोटिफिकेशन वहां पे नहीं मिलेगा, आपको पुल आउट करना होगा और उसके बाद आपको सभी नोटिफिकेशन मिलेगा, जैसे कि नेटवर्क स्पीड और इस तरह का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, और आपको पुल करना होगा, तो ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें क्या नेटफ्लिक्स और एमेजॉन प्राइम जो पेड वीडियोज है प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ हो रहा है। आप यहां पे हाईली HD यानी स्टैंडर्ड क्वालिटी पे आप चला सकते हो, पर HD या फुल HD में प्ले नहीं कर सकते हो। और यहां पे Asus ZenFone Max Pro M1 में आप Amazon Prime वीडियोस या Netflix वीडियोस यानी पेड वीडियोस आप यहां पे फुल HD वीडियो में आप चला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोकिया 6.1 और Realme 2 Pro, मेरे हिसाब से नोकिया 6.1 प्लस से काफी अच्छा होगा Realme 2 Pro, थोड़ा सा वेट कर लीजिए Realme 2 Pro के लिए। नेक्स्ट, Realme 2 Pro का प्राइस क्या होगा?
मान के चलिए Realme 2 Pro का प्राइस अबव 15,000 होगा। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं बिलो 15,000 ये होने का चांस नहीं है, क्योंकि आप मान के चलिए 16,000 जरूर होगा इस फोन का प्राइस। नेक्स्ट वन, Realme 2 Pro में पीछे में क्या 16 और 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा? सुनने में तो यही आ रहा है 16 और 2 मेगापिक्सल का कैमरा आएगा। अगर डेप्थ सेंसर के हिसाब से 2 मेगापिक्सल फिर से दे ये मुझे काफी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि Realme 2 मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएगा। मुझे वहां पे कैमरा उतना खास नहीं लगा, क्योंकि वहां पे 2 मेगापिक्सल कैमरा जो डेप्थ सेंसर के लिए दिया गया है वो उतना अच्छे से काम भी नहीं करता है, कुछ आर्टिफिशियल आपको मिलता है। आपका नेक्स्ट सवाल, पोको F1 या ऑनर प्ले कौन सा लिया जाए? मेरे हिसाब से अगर मेरे मानो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा पोको F1 लीजिए, क्योंकि कंपेयर टू ऑनर प्ले ये आपको अच्छा कैमरा क्वालिटी देता है। आपको यहां पे फ्रंट कैमरा अच्छा मिलेगा, आपको यहां पे जो लॉन्चर है उसमें बहुत सारे फीचर्स मिलेगा, जो फेस अनलॉक है आयर ब्लास्टर यूज किया गया है वो भी वहां पे अच्छा काम करता है, और फिंगरप्रिंट सेंसर भी गजब का है और बैटरी भी गजब का है, साउंड क्वालिटी पूछो मत। तो मेरे हिसाब से पोको F1 एक अच्छा चॉइस होगा आपके लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, Realme 2 या Redmi 6 Pro? अगर आप Realme 2 के साथ कंपेयर करोगे तो मैं तो यही कहूंगा Redmi 6 Pro आपके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Redmi 6 Pro या Asus ZenFone Max Pro M1? मैं आपको यही कहूंगा आप Asus ZenFone Max Pro M1 के साथ जाइए, क्योंकि यहां पे आपको गजब का बैटरी मिलता है, आपको यहां पे गजब का डिस्प्ले मिलता है, कैमरा भी खास मिलता है, और Redmi 6 Pro भी अच्छा है। कंपेयर टू Redmi 6 Pro Asus ZenFone Max Pro M1 अच्छा रहेगा, क्योंकि यहां पे प्रोसेसर भी 636 दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, आपका हर एक सवाल का शायद उत्तर तो मैं नहीं दे पाया, पर प्रयास क्या हूं ज्यादा से ज्यादा आपका क्वेश्चन को पिक किया जाए, उत्तर दिया जाए। तो मैं आपसे फिर से अनुरोध करता हूं, आप हैशटैग गैजेट्स वाला करके कमेंट्स कीजिए, आपका क्वेश्चन पिक करूंगा और उत्तर देने का प्रयास भी करूंगा। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आया है। अगर यह सही है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा, क्योंकि इससे आपको हर एक वीडियो का अपडेट यूं ही मिलता रहेगा। धन्यवाद।